हेलो यार, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गोविंद पटेल, आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। ये है यार मेरे मिर्च का फसल, इसमें आज हम लोग ढूंढने वाले हैं वायरस को। हालांकि बहुत से किसान जानते हैं कि वायरस कैसी होती है तथा कैसे उसका इफेक्ट होता है, लेकिन बहुत से किसानों का कमेंट आता है कि वायरस को हम लोग कैसे पहचानें। तो आज के यार वीडियो में हम लोग पूरी तरह से देखेंगे कि वायरस को हम लोग कैसे पहचानें तथा हम लोग कैसे उसको दूर कर सकते हैं। ये वाला मिल गया, ये वाला जो है ना, ये वाला वायरस इन्फेक्टेड है। जब भी आपको ऐसी टाइप से मिले तो आप इसको सीधा उखाड़ो और इसको कहीं दूर हम इसको जाके डिस्ट्रॉय करेंगे। अब की बार और भी देखते हैं कि किस किस पौधे इन्फेक्टेड है वायरस से। के एक और पौधा मिल गया, वो है ये वाला। वायरस को पहचानने का देखिए, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा, इसके जो पत्ते हैं थोड़ा खुरदुरी टाइप से, मुड़ा मुड़ा टाइप से। इसके बगल वाला पौधे मैं आपको बताता हूँ, देख रहे हैं कितनी बेहतर तरीके से है। इसके जो पत्ती में ना, आप देखेंगे कि इसके पत्ते में हल्का से वाइट वाइट इसके जो नस के बीच में दिखेगा, इसमें भी जो आपको दिख रहा होगा हल्के से नीचे वाले पत्ती में वाइट वाइट, तो ये मैग्नीशियम की कमी थी। हालांकि मैंने इसमें मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर दिया, तो आप देख रहे हैं ऊपर वाले पौधे एकदम पत्ते एकदम स्वस्थ हैं, लेकिन ये नीचे वाला जो है ये मैग्नीशियम की कमी के लक्षण है। और इसमें आप देखेंगे इसमें भी नीचे में इसके ऊपर वाले पत्ते में कुछ थोड़ा अजीब दिख रहा होगा, लेकिन ये मैग्नीशियम होती है वायरस की वजह से। तो इसको भी अब हमको खींचना पड़ेगा, यही तो आप खींच के इसको यहीं पर आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मिट्टी में भी आप चाहें तो इसको आप दफना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन ऐसे करें कि पूरा जो पौधे होते हैं वो मिट्टी में दब जाना चाहिए। वायरस से बचाव के लिए, हालांकि वायरस से लड़ना बेटर नहीं है, वायरस से सुरक्षा ही हमारे लिए सबसे बेहतरीन होता है। तो आप ये कोशिश करें कि आप वायरस से उसकी रक्षा करिए, क्योंकि वायरस एक ऐसी बीमारी है जो छूटता नहीं है, इसको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वायरस से सुरक्षित रहना ही सबसे बेटर है। तो उससे सुरक्षित रहने के लिए हमको सफ़ेद मक्खी तथा थ्रिप्स से बचना होता है। तो सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप उसमें जो भी आप पेस्टिसाइड या जो भी यूज़ करते हैं उसका आप यूज़ करिए। अगर आप वायरस इफेक्टेड हो गया है या फिर वायरस से बचना चाहते हैं, तो एक जैविक तरीका होता है जो कि दूध, हल्दी और हींग का एक कम्बिनेशन होता है। कहने का मतलब 15 लीटर की टंकी में आप डालिए 250 ml है आपको दूध, गाय का दूध, और उसमें डालना है आपको 2 से 3 चम्मच हल्दी, और उसमें डालना है थोड़ी सी हींग अगर आपको मिल जाए तो। हींग ना भी ना मिले तो चलता है, लेकिन कोशिश करें कि हींग आप ले आइए। तो उसका आप छिड़काव करते हैं तो वायरस से हम लोग कुछ कुछ हद तक कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। और एक मैं पौधा दिखाता हूँ, ये वाला जो पौधा है, देखिए दोनों पौधे में आप अंतर देखिए। तो आप ये वाला को देख के वायरस इफेक्टेड बोल सकते हैं, लेकिन ये वायरस इफेक्टेड नहीं है, ये माइट से इफेक्टेड है। माइट से इफेक्टेड में आपको देखिए पता कैसे चलते हैं, इसके जो पत्ते थे नीचे मुड़े मुड़े हुए थे, लेकिन माइट्स क्लियर होने के बाद अभी आप देखोगे कि इसके जो पत्ते हैं उसमें जो हल्की सी रिंकल आई है, लेकिन पत्ते धीरे धीरे सीधे हो रहे हैं। जो पत्तियाँ निकल रहे हैं, जो भी कोपले निकल रही हैं, तो उसमें नए नए कोपले निकल रही है। मैं एक और यार वीडियो बनाया था माइट्स के लिए, तो उसमें जो मैंने एक पौधा दिखाया था, तो उसमें मैं अभी 100% डिकम्पोजर का हर ना दूसरे दिन छिड़काव कर रहा हूँ, उसका भी मैं रिपोर्ट आपको बताऊँगा। ये वाला पौधे मैंने पेगासस का यूज़ किया था, सेजेंटा कंपनी का आता है पेगासस। और हालांकि पेगासस से इतना तो फिक्स हो गया कि माइट्स को क्लियर कर रहा है, और वाइट फ्लाई को क्लियर कर रहा है कि नहीं उसका रिजल्ट तो पता नहीं चला। उसका भी हाँ देखते हैं, हिला के वाइट फ्लाई दिखता है कि नहीं। वाइट फ्लाई एक आग तो दिख रहा है लगभग, उसको भी क्लियर कर रहा है। कहने का मतलब पेगासस जो होती है स्पेशली माइट्स और वाइट फ्लाई के लिए होती है। तो फिलहाल माइट्स का रिजल्ट आपने देख लिया, क्लियर कर रहा है। ये भी एक वायरस इन्फेक्टेड है। तो चलो भाई साहब निकलो मेरे खेत से आप भी। ये भी एक पौधा है यार वायरस वाला। वायरस वाला पौधा जब भी आपको दिखे ना, तो यार उसको देखना नहीं है, बस सीधे खींचो और उसको कहीं ना कहीं दफना के फेंको, डिस्ट्रॉय करो, रखना बड़ी दिक्कत है। अब इसको अगर मैं रख दूंगा तो इसके साइड वाले दोनों तीनों पौधे को वो खा जाएगा, उसमें भी वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि इसको हम लोग क्लियर ही करें। ये वाला पौधा को कीड़े ने काटा यार, साफ तरीके से दिख रहा है। ये यहीं पड़ा है साइड में और ये हल्का सा कटने का इसमें लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो तंबाकू वाला जो कीड़ा होता है ना, ब्लैक ब्लैक कलर की जो कीड़े निकलते हैं मिट्टी में जो रहते हैं, उसी का कांड है। देखते हैं वो कहीं होगा आसपास मिट्टी में, दिख नहीं रहा है। वो रात को निकलते हैं, दिन में अंदर छुपे रहते हैं, तो इसीलिए ये इसको थोड़ा इफेक्ट किया है, काटा है। हालांकि ज़्यादा नहीं, एक सिंगल ही पौधा है जिसको काटा है, उसके बगल वाला पौधा एकदम स्वस्थ है। तो ये भी कहीं कहीं समस्या आती है।
और तो इसमें वायरस नहीं दिख रहा है, तो वायरस को कंट्रोल करने के लिए कई तो जैविक भी केमिकल आते हैं, आजकल मार्केट में मिल जाएगा आपको इजीली। इसके साथ साथ जो दूध हींग और हल्दी वाला भी आप कम्बिनेशन का यूज़ करते हैं तो बहुत हद तक उसमें कंट्रोल होती है, कुछ हद तक तो कंट्रोल होगी ही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वायरस को रोकने के लिए कि सफ़ेद मक्खी थ्रिप्स को आप उससे बचाना। सफ़ेद मक्खी थ्रिप्स को अगर आप बचाते हैं तो आपके में वायरस की जो दिक्कत है वो बहुत कम आएगी। तथा घास पात को आपके मेड़ को पूरी तरह से क्लियर रखना पड़ेगा, घास पात में भी बहुत ज़्यादा उसमें ट्रांसमिट होते हैं। तो वायरस से संबंधित कुछ भी आपके सुझाव हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करेगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, अगर आप नए हैं यार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि खेती से संबंधित इस तरह के वाले चैनल पे आते रहता है। तो यार वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय।